नमस्कार, नंदास किचन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है तो चलिए कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन के बहुत ही टेस्टी से करारे से लड्डू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 1 कटोरी के करीब देसी घी ऐड करूंगी। और देसी घी को हम पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। देसी घी हमारा मेल्ट हो गया है और गरम भी हो गया है। और यहाँ मैं 1 कटोरी के करीब बेसन ले रही हूँ, वो इसे इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और इसे जो है हम धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे। हमें बेसन भूनने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। और यहाँ जब हम बेसन को भूनेंगे तो पहले जो बेसन है वो इस तेल को जो है घी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद जैसे जैसे ये भुनता जाएगा वैसे वैसे ये ऑयल इसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा बेसन मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। तो कुल हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब जो है बेसन ले लिया है और इन सबको मिक्स करके धीमी आंच में भूनेंगे। अगर आपको बेसन में जो ये गुठलियाँ नजर आए तो इसे इस तरह से दबा दबा के आप इसको बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बेसन ने सारा घी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, पर ये जैसे जैसे भुनता जाएगा इसमें से घी जो है वो रिलीज होता रहेगा। आप देख सकते हैं पहले हमारा ये मिक्सचर कितना ज़्यादा जो है ड्राई था, और जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसमें थोड़ा सा घी का मॉइस्चर भी आता जा रहा है। इसे हमने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से धीमी आंच में ही भूनना है और कंटिन्यूसली जो है इसे मिलाते रहना है। बेसन भुनने की खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ये बेसन में जो घी है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और इसका कलर भी ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। पर अभी मैं इसे और थोड़ा सा ब्राउन करूंगी, हमें इसका थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है और एक अच्छी खुशबू भी इसमें आ रही है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है पानी इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी।
बिल्कुल थोड़ा सा हमने मिलाना है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पानी पूरा सुखा दूंगी। ऐसा करने से जो हमारे लड्डू हैं वो एकदम दानेदार बनेंगे और वो मुंह में चिपकेंगे नहीं। देखिए जो है पानी हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल सूख गया है और आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से जो है दाने से दिख रहे होंगे आपको। और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और बेसन को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए ठंडा करूंगी। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो जो बेसन है वो नीचे से हल्का डार्क हो जाएगा, इससे हमारे लड्डू भी सारे डार्क बनेंगे। तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको 2 से 3 मिनट बाद और फिर बताऊँगी आगे का प्रोसेस। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और बिल्कुल दानेदार सा भी लग रहा है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच ये सफ़ेद तिल लिए हैं और इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो मैं इसे जो है इसमें ऐड कर दूँगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड करिए और नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो नारियल है उसका बुरादा है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है और इसे भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद हैं तो आप इसमें ऐड करिए और अदरवाइज़ आप जो हैं प्लेन जो है बेसन के लड्डू वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वाद बनते हैं। और अब मैं इसमें ये जो मेरे पास बूरा है इसमें मिठास लाने के लिए वो ऐड करूँगी। तो मैं अभी 1 कटोरी के करीब ले रही हूँ और इसे इस तरह से छान लूँगी क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं। और अब मैं इसको इसमें मिक्स करती चली जाऊँगी। मीठा आप अपने हिसाब से रखिएगा, अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो इसकी बूरा या करारा जो भी आप इसमें मिक्स कर रहे हैं या तगार जो भी आपने बनाई है या मिठास के लिए जो भी इसमें ऐड कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में ले सकते हैं, और कम अगर खाने वाले हैं मीठा तो कम भी कर सकते हैं। आप बेसन के लड्डू में ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट आप जब भी डालें किसी भी मिठाई में तो उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए या आप देसी घी में फ्राई कर लीजिए या उसे ड्राई रोस्ट करके डाल लीजिए, इससे मिठाई की शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम इन्हें भी तोड़ते हुए छान लेंगे, इससे हमारे लड्डू में बिल्कुल भी गुठलियाँ इनकी नहीं आएगी और एक साथ रहेगा वो लड्डू। ये मैंने सारा छान लिया है और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मिक्स करने के बाद एक बार मीठा चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है और अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो आप साइज़ लड्डू का अपने
खाने के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बड़े लड्डू बनाना चाहें तो बड़े बना लीजिए, और इस तरह से हम इसे बांधते चले जाएंगे। मैं आपको दूसरा लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से दबा दबा के आप इसे बनाइए। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है पिसी हुई चीनी जो है ऊपर से इस तरह से लगा दूंगी, और इस तरह से हम अपने लड्डुओं को थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैं कोट कर रही हूं इनको शुगर पाउडर में। इसी तरह से मैं इन सारे लड्डुओं को जो है शुगर सिरप से कोट कर दूंगी थोड़ा थोड़ा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी से बेसन के लड्डू। तो इसे घर पे जरूर बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।